हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, सीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूंगी, प्लीज चैनल पर पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करें। गाइस, जनरल रीडिंग है, तब से रेजोनेट हो सकती है, हो सकता है ना हो। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडिक साइन के लिए है, कोई भी जोडिक साइन का रीडिंग देख सकता है, मैरिड अनमैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, आपके पर्सन की क्या सोच है आपको लेकर। लेट्स सी, फोकस कीजिएगा गाइज अपने पर्सन की एनर्जी पे, देखते हैं क्या निकल कर आता है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। पहला मैसेज लेयर्स का आया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके जो पर्सन है, इन्हें जो भी लेयर लगा रखी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपके पर्सन जो हैं, वो बाहर जो जो चीजें भी प्रटेंड करते हैं, ठीक है, बाहर जो भी दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स को दिखाते हैं, या जो भी ये काम करते हैं बाहर बाहर का, ठीक है, वो चीजें इस पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि छुप नहीं रही है, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। ठीक है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जहां पर आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों के चेहरों पर से नकाब हटता है, ठीक है, ये अक्सर होता है आपकी अवेकनिंग के टाइम, लेकिन आपकी भी कुछ चीजें जो आपने छुपा कर रखी होती है वो भी कहीं ना कहीं रिवील होती है, तो कुछ इस तरीके का मैसेज यहां पर आ रहा है। एक्चुअली कुछ चक्रास हैं जो आपके ओपन होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है वो सरफेस पर आती है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, इनकी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इनकी लाइफ में, अभी तक होती आई है, ठीक है, आपसे रेजोनेट करता है, बताइएगा। इस पर्सन ने सबसे ज्यादा जो चीजें क्रिएट की हैं अपनी लाइफ में, वो की है अपने बातचीत ना करने की तरीके से, मतलब सबसे ज्यादा इस पर्सन ने लाइफ में अगर मैश क्रिएट किया है आपके साथ, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, वो हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर बातों को छुपाते हैं, या फिर झूठ बोलते हैं, या मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं तो थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड चीजें मुझे यहां पर नजर आई है, यहां पर 7 नंबर है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा इस पर्सन की लाइफ में अभी तक इन्होंने अगर प्रॉब्लम को फेस किया है, तो वो अपनी बात, अपनी कमी, इस वजह से इस पर्सन के अंदर कमी नजर आ रही है, मतलब ये तो या तो ये बातों को एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, बातों को छुपा लेते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन का मैसेज यहां पर निकल कर आया है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनकी जो चीजें हैं वो सरफेस हो रही है इस वक्त में, सो काफी सारा इस पर्सन को डिस्टर्बेंस इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रहा है, काफी सारी चीजों से ये पर्सन डील कर रहे हैं। यहां पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि जो इंसान बिल्कुल नहीं बोलता था, वो बहुत ज्यादा बोलने लग गया है, ठीक है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप अपने पर्सन से अगर बात कर रहे हैं, अगर वो आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा आपसे बात करेंगे, या इतना ज्यादा आपसे बोलेंगे कि आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये इतना ज्यादा क्या बोल रहे हैं, या फिर ये इतना ज्यादा कैसे बोल रहे हैं, या इतना ज्यादा ये एक्सप्रेस कर कैसे रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। हो सकता है आपको 6 महीने से उन्होंने कॉल ना किया हो, सडनली आपको कॉल करके इतना कुछ बोल दें, इतना कुछ बोल दें कि आपको ऐसा लगे कि जिस इंसान ने 6 साल में इतना नहीं बोला, उतना उसने 6 महीने की कॉल के बाद बोल दिया, मतलब कुछ ऐसा है जो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनकी एनर्जी में एक मतलब ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि जिस चीज को लेकर ये सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ये पर्सन अपने आप को रजिस्ट करते थे, जिस काम को करने हो वो सबसे ज्यादा इस वक्त में आपके पार्टनर कर रहे हैं और कर सकते हैं, ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। सबसे ज्यादा मुझे एक्सप्रेस करने की एनर्जी फील हो रही है, यानी कि एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके पर्सन, बोल सकते हैं, वो सारी दबी हुई बातें जो आपके बारे में सोचते हैं वो सब निकल सकती, अच्छी बुरी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि जो अच्छा अच्छा है आपके पर्सन, वही जो भी उनके दिमाग में आपको लेकर चला है आज तक, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग,
वो सब कुछ आपकी लाइफ से रिलेटेड, इनकी लाइफ से रिलेटेड बाहर आ सकता है। और देखिए, पॉजिटिव निकलेगा तो आपको खुशी होगी, नेगेटिव निकलेगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे, बट यस, जो भी होगा वो क्लियर निकलेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कुछ उलझाने के लिए बोले या दिखाने के लिए बोले, ठीक है। ये एनर्जी निकल कर आई है आज के दिन में, ये चीज होने वाली है कुछ लोगों के साथ, ठीक है। आपका जो पर्सन है, जब वो एक्सप्रेस करने पर आए, तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है गाइस कि आप उनसे बहुत सवाल कर सकते हैं जो आपके मन में चल रहा है, ठीक है। आप जो भी सवाल उनसे करेंगे, वो सारे सवालों के आपको एज इट इज और बिल्कुल सही आंसर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस वक्त में जो एनर्जी है वो ये निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन सच ही बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी आपसे रिलेटेड उनके मन में रहा है, या फिर जो भी आप उनसे पूछना चाहोगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके मन में क्या था, कौन मैनिपुलेट करता है, फैमिली से रिलेटेड, फ्रेंड से रिलेटेड, जो भी आप सवाल उनसे करना चाहोगे वो सारे सवालों के जवाब देंगे आपको, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर गाइस स्टार की एनर्जी मिल रही है। स्टार, ओके, स्टार कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो मुझे स्टार या हीलिंग की वाइब दे रहा है, ठीक है। हीलिंग की वाइब बहुत स्ट्रांग यहाँ पर निकल कर आई है, ओके। मैसेज ऐसा आ रहा है कि गाइस जो भी इस पर्सन के अंदर फंसा पड़ा है, ठीक है, वो यहाँ पर जब ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर उस चीज पर परमानेंट हीलिंग होने वाली है, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ के अंदर जो चीजों को अपने अंदर समेट कर रखते हैं, ठीक है। और वो जो चीजें, सब कुछ मैंने आपको बताया है कि सब कुछ एनर्जी है, ठीक है, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप के पर्सन है जो वो जो कुछ भी अपने अंदर समेट कर रख लेते हैं, जो कुछ भी वो अपने अंदर रख लेते हैं, ऐसे किसी ने कुछ बोला उन्होंने इस बात को संभाल कर रख लिया, किसी ने उन्हें कुछ दिया उन्होंने इस बात को संभाल कर रख लिया। अब इतना ज्यादा जब आप एनर्जी ऊर्जा को अपने अंदर इकट्ठा करते रहोगे और आप उसको रिलीज नहीं करोगे, ठीक है, और आप उसके साथ लगातार डील करते रहोगे, उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके, तो वो आपके शरीर को बर्बाद करती है। यानी कि आपकी लाइफ में आप मेंटल इश्यूज फेस करेंगे, हेल्थ इश्यूज फेस करेंगे आपके अंदर, वो क्योंकि वो एनर्जी है, वो आपने रिलीज ही नहीं की है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हीलिंग का मतलब वो समझ नहीं पाते, या फिर उनको समझ में नहीं आता एनर्जी रिलीज करने का मतलब, ठीक है। एनर्जी रिलीज करने का मतलब किसी को लेकर आपके मन में गुस्सा है और आप गुस्से में उस इंसान पर बहुत ज्यादा चिल्ला दिए, किसी और पर चिल्ला दिए, तो कहीं ना कहीं आपने उस एनर्जी को थोड़ा बहुत रिलीज कर दिया, लेकिन आप शांत रहे, आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है। और आपको गुस्सा बहुत आया, आपको तकलीफ बहुत ज्यादा हुई, लेकिन आपने शांत से पानी का घूंट पीते ना, ऐसे ही आपने वो पी लिया पूरा। अब वो आपके अंदर स्टोर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि आपके अंदर जो वुंडेड वुंडेड चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं, ऐसे ही वुंड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही घाव होते हैं जो आपके अंदर होते हैं। अब ये जब समय समय पर चीजें सरफेस होती हैं इस जर्नी में, असेंशन की जर्नी में, तो ये आपको तकलीफ देती हैं, तो फिर आपको इनको रिलीज करना होता है, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा तड़पते हो, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ तड़प वाली एनर्जी आपके पर्सन की है कि इन्होंने ये सारी चीजों को संभाल कर रखा था, इन्होंने ना ही इसको रिलीज किया था, ठीक है, और ना ही ये इनके अंदर से बाहर निकली थी। तो ये चीज इंसान को अंदर से खत्म सा करती है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी, ठीक है, फिर वो अलग रूप लेती है इस चीज का। तो आपके जो पर्सन है इनके अंदर इसी तरीके की चीजें नजर आ रही हैं जो बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पर परमानेंट हीलिंग का मैसेज आ रहा है गाइस, कि जो भी फंसा पड़ा था वो सरफेस आ रहा है रिलीज होने के लिए, ताकि वो परमानेंट हीलिंग हो सके वहां पर, और वो हमेशा के लिए आपके पर्सन उन चीजों को भूल सके, ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो आपसे रिलेटेड भी है गाइस, अगर आपसे भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, आप दोनों कनेक्शन इस लेवल पर पहुंच गया था कि आप लोग मैरिड लाइफ में थे, मतलब मैरिज में थे, और दोनों का डिवोर्स इस तरीके की सिचुएशन बन गई थी कि डिवोर्स हो जाएगा, या फिर ऐसा सिचुएशन बन गया था कि कनेक्शन कभी ठीक नहीं हो सकता है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बंद ही कर दिए थे। तो इस तरीके की सिचुएशन पर आपकी हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। एक बार आपकी इस तरीके की सिचुएशन अगर बनी है कनेक्शन में और हीलिंग होती है, तो वहां पर आपका कनेक्शन दोबारा से
फ्रेश स्टार्ट हो सकता है और आप वो सारी चीजें जो पास्ट में हुई हैं आप उनको लेट गो करके भूल कर आगे बढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ भुला दिया और वो वापस आपको याद आ जाएगा, नो, वहां परमानेंट हीलिंग होने का मतलब है कि वो चीजें आपको दोबारा तकलीफ नहीं देंगी जो पास्ट में हो चुकी है, ना ही आपके पर्सन को देगी। तो ये वाला मैसेज आज के दिन में निकल कर आ रहा है। सो जिनके भी कनेक्शन सेपरेशन में है हीलिंग के लिए स्पेशली, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि काफी हद तक आपके पर्सन के जो इस तरीके की चीजें हैं वो ठीक हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है आज के दिन में स्ट्रॉन्गली। आप इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें जो सेपरेशन में है और जिनका कनेक्शन बहुत अच्छा था, जो सेपरेशन में है और जो यू नो हीलिंग के लिए ही अपने कनेक्शन से फिलहाल में दूर है, वो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें, इस हीलिंग को क्लेम करें और आप अपने कनेक्शन के रियूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर V लेटर है, H लेटर है, I लेटर है, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है। आई डोंट नो, आपको बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छा गुरु, ऐसा आपके पर्सन आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में एक टीचर हूं। ओके गाइस, आपका पर्सन अगर आपसे माफी नहीं मांग सकता था कभी अपनी ईगो के चलते, या फिर you know, आपको हमेशा इस पर्सन ने ऐसा किया है कि गलती भी की है और you know, कभी माफी भी नहीं मांगी और हमेशा आपकी गलती निकाली है, आपको इस पर्सन की एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। स्पेशली ना आप खुद शॉक्ड होने वाले हैं कि ये पर्सन के अंदर इतना बड़ा शिफ्ट कैसे आया है एनर्जी में, ठीक है। ये पर्सन यू नो, आपसे वो बातें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आपको लगता है कि इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं बोल सकता है या कभी नहीं बोल सकती है या फिर ये ऐसा है ही नहीं, ठीक है। ये चीजें भी आपको समझ में आई इस पर्सन के अंदर। देखिए, जब उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज होती हैं, बहुत सारा जेलेसी, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा घमंड, बहुत सारा ये वो, तब उस तरह की चीजें बाहर निकल कर नहीं आती जो रियलिटी होती है। आपने भी कई बार इससे अपने अंदर नोटिस किया होगा कि आप हर चीज नहीं बोलते हैं किसी को भी, ठीक है। आप भी देख लेते हैं सामने वाले इंसान के ईगो को, एटीट्यूड को, उसके बाद उसके हिसाब से चीजें बोलते हैं, ठीक है। आप सोच बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन बोलते उतना ही है जितना आप सामने वाले को देख लेते हैं। उसी तरीके से जब जिसके अंदर जो सारी चीजें होती हैं वो उस हिसाब से बात करता है। आपका जो पर्सन है वो अगर आपसे भी इस तरीके की चीजें करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारी बातें चलती थी एक बार में। तो आप ये चीज में एक बड़ा शिफ्ट यहाँ नोटिस करने वाले हैं कि एक्सप्रेसिव होगा आपका पर्सन, आपसे भी ज्यादा हो सकता है एक्सप्रेसिव हो जाए। इतना तो आपने कभी इस पर्सन को एक्सप्रेस ना किया हो कनेक्शन में जितना ये कर दे, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओ माय गॉड, ये दोबारा एनर्जी आई है, यहाँ पर वापस आने की एनर्जी है आपके पर्सन की। और ये आप यकीन करिए ये परमानेंट हीलिंग है गाइस, ठीक है। आपका पास्ट का कोई भी इशू प्रेजेंट पे नहीं आएगा और ना ही आपका पर्सन उस पास्ट के इशू को फ्यूचर में लेकर आएगा। जब आपके अंदर हीलिंग होती है आप भूल जाते हो, इतना सेपरेशन में आपको पेन मिला होता है कि आप पास्ट की बातों को तो कभी बीच में लेकर आते ही नहीं हो। ये यहाँ पर मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, हम देखेंगे आप कार्ड से, ठीक है। इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जितने लोग भी अपने सेपरेशन में हैं और हीलिंग के लिए सेपरेशन में हैं। लेट्स सी मोर, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करेंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या, प्लीज गाइड मी। हरी हरा, हरी हरा कौन है? हरी मतलब श्री कृष्ण, हरा मतलब महादेव, ओके, और ये दोनों एक है। थ्री ऑफ शॉर्ट, द फूल, किंग ऑफ शॉर्ट्स। क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स एंड कार्ड्स को,
खट्टा वाला। टू ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। ये कार्ड है स्टार। वाओ। ओके गाइस, सो रेडी हो जाइए, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर यूनियन में आने के लिए, और 88 पोर्टल आ रहा है। मैनिफेस्ट क्या करना है आपको? मैनिफेस्ट करना है कि आप अबंडेंस मैनिफेस्ट करिएगा सबसे ज्यादा। ऑल्सो आप मैनिफेस्ट करिएगा एक अच्छा लव पॉइंट, ठीक है, आपके पर्सन की सारी नेगेटिविटीज, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर पोर्टल आते हैं, जितने भी आपके न्यू मून फुल मून आते हैं, इस पर आपकी नेगेटिविटी रिलीज होती है, तो आप जरूर न्यू मून फुल मून मेडिटेशन करें और जितना हो सके अपनी नेगेटिविटीज को रिलीज करें। यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है? थ्री ऑफ शॉर्ट्स विद डेविल। आपके जो पर्सन है, डेफिनेटली इस वक्त में जितने अंदर के घाव है, थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, जितने घाव इस पर्सन के अंदर है, ठीक है, उन पर हीलिंग हो रही है गाइस। और आपके पर्सन की जितनी नेगेटिविटी है वो सरफेस आ रही है, पूरी नेगेटिविटी सरफेस आ रही है एक एक करके। मतलब इस पर्सन को, अब ये कल भी रीडिंग में निकल कर आया था, थ्री ऑफ शॉर्ट्स विद डेविल, कुछ नहीं बचेगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, जो लोग अवेकनिंग से गए हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो इस चीज को बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं। वो आपको बताते हैं, वो गलत नहीं बताते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर आप कुछ गाइड कर रहे हैं तो इसीलिए गाइड कर रहे हैं क्योंकि वो चीज रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि एक इल्यूजन है, ठीक है। आपकी सारी नेगेटिविटी सरफेस पर आती है, उसका मतलब ही अवेकनिंग होता है। और अपनी नेगेटिविटी के साथ डील करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसको रिलीज कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, बट करना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो जिसके अंदर जितनी नेगेटिविटी होती है उसको उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ डेविल बार बार निकल कर आ रहा है, जो क्लियरली बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो अपनी नेगेटिविटी के साथ डील कर रहा है, और उसके पास वो सारी चीजें जो भी उनके अंदर स्टोर थी वो एक एक करके सरफेस आ रही है, और वो सारी रिलीज हो रही है यहाँ पे। देखिए, आपके अंदर बहुत अच्छाई होगी, ठीक है। आप अपनी अपनी ही आपको ले लीजिए, आपका पर्सन ले लीजिए, आपके पर्सन के अंदर 100% नेगेटिविटी नहीं हो सकती, उसके अंदर 30%, 40%, 50% जितनी भी नेगेटिविटी हो, लेकिन पूरा नेगेटिव इंसान नहीं हो सकता है वो, ठीक है। कुछ उसके अंदर अच्छाई भी होगी, तो पहले अच्छाई बाहर नहीं आती है, पहले आपकी सरफेस पर आती है आपकी नेगेटिविटी, ठीक है। पहले आपके अंदर का जो विश है वो बाहर निकलता है, ठीक है। जब आपके अंदर का विश पूरा निकल जाता है तब आपके अंदर का अमृत बाहर आता है, यानी कि आपकी अच्छाई बाहर आती है। सो यहाँ पर ये अच्छाई क्या है? टू ऑफ कप्स। सो यानी कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो ये कहते हैं कि उनका पर्सन चीटर है, धोखेबाज है, वो मतलब लव नहीं कर सकता या फिर उसके अंदर वो सारी चीजें नहीं है, जब आपके पर्सन का शुद्धिकरण प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वही गंदी चीजें बाहर आती हैं, उनका ईगो, उनका गुस्सा, उनकी सारी नेगेटिविटीज जब वो सरफेस पर से निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, तब आपके पर्सन का एक्चुअल लव आप फील कर पाते हो। वो बोलते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं जो एक्चुअल में उनके अंदर होता है, जो अपनी नेगेटिविटीज के कारण वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे या बोल नहीं रहे थे आपसे या वो कह नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर नजर आई। इस वक्त पे आप ये समझ सकते हैं कि आपका पार्टनर एक तकलीफ से जा रहा है, ठीक है। मतलब ये तकलीफ सबने सही हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने ये चीज को फेस किया हुआ है, लाखों लोग हैं इस वक्त में। तो आप तो इस चीज से वाकिफ हैं, ठीक है, आप पहले से ही बहुत लंबे टाइम से ही कर रहे हैं, तो आप इस चीज से वाकिफ हैं। तो यहाँ पर ये क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पर्सन सबसे ज्यादा तो इस पर्सन का ईगो, ठीक है, ईगो जब शैटर होता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ईगो जब टूटता है ना तो इंसान टूटता है, ठीक है। आज के टाइम में और कुछ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ईगो जब जाता है या ईगो टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। सो अभी आप अपने पर्सन को ब्लेसिंग्स और हीलिंग भेज सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख भी रहे हैं कि उनके पर्सन की लाइफ में तूफान चल रहा है, ठीक है। वो तूफान ऐसे ही नहीं चल रहा है, ठीक है, और गेटवे आया है, 88 पोर्टल आ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं काफी चीजों को रिलीज करेगा, ठीक है, और नए दरवाजे खोलेगा आपके लिए। यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, देखिए ये बिल्कुल, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे इस तरीके का सिंबल, यही मुझे बिल्कुल वहां पर कैंडल वैक्स में दिखाई दिया था। सो यहाँ पर हीलिंग का ही मैसेज है गाइस, आपके पर्सन की चीजें परमानेंट हील हो रही हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों की गुड न्यूज है और ये आपके लिए ब्लेसिंग है यहाँ पर, ठीक है। सो इसको जरूर से जरूर क्लेम कीजिएगा। लेते हैं हम कुछ अल्फाबेट्स।
माय गॉड, यहाँ पर देखिए 8 नंबर आया भी है। V एंड 8 VMUTOSPRIYA। यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है SUPR, सुप्रिया। किसी का नाम सुप्रिया है क्या यहाँ पे? पूरा नाम ही लिखा है यहाँ पे SUPRIYA। कुछ लोगों का नाम सुप्रिया हो सकता है, कुछ लोगों का नाम प्रिया हो सकता है, प्रिया। ठीक है, ये हम लोगों के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल गया। कुछ लोगों का नाम रिया भी हो सकता है, RIYA, रिया। सो सुप्रिया, प्रिया एंड रिया, ठीक है, ये आप लोगों के लिए कुछ नाम निकल कर आए हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मोटो। तो किसी का पार्टनर ना मोटो बुलाता है क्या, मोटा? ठीक है, इस तरीके से। एंड ऑल्सो यहाँ पर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ वर्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है गाइस, ठीक है, एंजल्स देना चाह रहे हैं, इसलिए पूरे नाम ही निकल कर आ गए, प्रिया, सुप्रिया एंड रिया। ओके, आई कांट सी यू विथ नो वन एल्स। आपके पर्सन कह रहे हैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। द साउंड ऑफ योर वॉइस इज पीसफुल। इस पर्सन को आपकी आवाज पीसफुल लगती है। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। ओके, यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। यू गिव अमेजिंग हग्स। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड वेन आई एम इल। ओके, सो गाइज, ये आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।